गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट समर वेकेशन। आज का विषय है फूलों की ड्राइंग। फूल विभिन्न प्रकार के होती है, इनके आकार में अंतर होती है। कुछ फूल छोटी तो कुछ बड़ी होती है, कुछ गोलाकार तो कुछ अंडाकार होती है। किसी भी फूल को बनाने से पहले उसे हमें अच्छी तरह से कुछ अध्ययन करना चाहिए, ध्यान से देखना चाहिए, उसके बाद हमें स्टार्ट करना चाहिए। किसी भी फूल को बनाने से पहले उसका आउटलाइन हम लोग लेते हैं। जैसे अड़हुल का फूल हम लोग देखें, ये अड़हुल का फूल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें बहुत ही कम पेटल है। जैसे कि इसमें हम लोग देखते हैं ओनली 4 पेटल है, इसके बाद इस लाइन को हम लोग रफ कर देंगे, साइड वाली लाइन को। नेक्स्ट हम लोग लेकर चलते हैं और फिर पैटर्न लेकर चलते हैं। इसे सदाबहार इसी तरह से पेटल की संख्या हम लोग को बढ़ाते हुए नेक्स्ट लेकर अगर चलते हैं, हम लोग देखते हैं गुल मेहंदी किसे ग्रो करने के लिए। हम फर्स्ट 4 पार्ट में से डिवाइड करते हैं। उसके बाद आगे राइट 3 नेक्स्ट हम लोग लेकर चलते हैं सूरजमुखी। इसके बाद इसकी छोटी पेटल भी इसके साथ में ही लेकर चलेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म लेकर चलेंगे वो है डहेलिया। सभी फूल का पेटल ऐसा नहीं कि काउंटेबल ही हो। कुछ फ्लावर ऐसे भी हैं जिसकी जो वेनिस हो जाती है उसे हम लोग काउंट नहीं करते या उसे पूरा हम लोग ड्रॉ नहीं कर पाते। जैसे हम लोग देखें गेंदा है,
इससे हर पैटर्न को हम लोग परफेक्ट ड्रॉ नहीं करते, कुछ पैटर्न को ही ड्रॉ करते हैं। इस तरह से हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो हम देखिए कि फर्स्ट हम लोग लिए फोर पैटर्न, सेकंड लिए फिफ्थ पैटर्न, थर्ड लिए एट पैटर्न, और इस तरह से हम लोग संख्या पैटर्न की संख्या बढ़ाते गए और कंप्लीट करते गए। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स के हम लोग को फ्लावर्स है, और हर एक एक करके एक एक पे स्टडी करेंगे, एक एक फ्लावर्स पे हम लोग फोकस करेंगे, एक एक फ्लावर्स को पहले पकड़ जब आ जाएगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट फ्लावर पे लोग चलेंगे। ओके, थैंक यू।